हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग माय स्वीट एंड लवली चिल्ड्रेंस, हाउ आर यू? आई होप माय ऑल चिल्ड्रेंस आर गुड. टुडे मॉरल इज नेगेटिव थॉट्स विल डिस्ट्रॉय यू. ऑलवेज डू योर बेस्ट टू कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड. बेटा, इट मीन्स निगेटिव थाट हमें क्या कर देती है? डिस्ट्रॉय कर देती है, नष्ट कर देती है. ठीक है, हमें हमेशा क्या करना चाहिए? हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए. हमें अपना बेस्ट करने के लिए हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए. ठीक है बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि हमें कभी भी अपने अंदर निगेटिव विचार को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वो हमें क्या कर देती है? नष्ट कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है. हमें अपने अंदर अपना बेस्ट करने के लिए हमेशा पॉजिटिव थिंग लाना चाहिए. हमें क्या करना चाहिए? हमेशा अच्छा सोचना चाहिए. ठीक है, पॉजिटिव सोचना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, I had already taught chapter 1 to 11, and today I will teach to you chapter 12. बेटा, आपका हाफेली एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है. ठीक है, तो आपका 60% कोर्स आपके हाफेली एग्ज़ाम में आएगा. तो बेटा, यहाँ तक आपका 12 चैप्टर आपका 60% कोर्स हो जाएगा, और इसके बाद से आपका क्या होगा? रिवीजन होगा. ओके देन स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था? इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था सेफ्टी रूल्स. तो बेटा, आपको पता होगा कि घर पे किस तरह हमको सेफ रहना चाहिए. ठीक है, स्कूल में किस तरह सेफ रहना चाहिए, रोड पर किस तरह सेफ रहना चाहिए, गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है. व्हाट इज़ अ गुड टच एंड बैड टच? यानी किसी के छूने पर हमें क्या हो? अच्छा, कंफर्टेबल फील हो, तो क्या कहलाता है? गुड टच कहलाता है. और किसी के टच करने पर हमें क्या हो? यानी अनकंफर्टेबल फील हो, तो वो क्या कहलाता है? बैड टच कहलाता है. ओके स्टूडेंट्स, देन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर. ओके, लेट अस लर्न आवर टॉपिक मार्केट प्लेसेस इन आवर नेबरहुड. हमारा चैप्टर है बेटा प्लेसेस इन आवर नेबरहुड, हमारे आसपास का स्थान. ठीक है, हमारे नेबरहुड का स्थान, हमारे नेबरहुड में जो भी प्लेसेस होते हैं आपको उनके बारे में दिया गया है. मार्केट, तो व्हाट इज़ मार्केट? एंड मार्केट क्या होता है बेटा? मार्केट मीन्स होता है बाज़ार. क्या होता है? बाज़ार. मीन्स मार्केट की मीनिंग होती है बाज़ार. और मार्केट, अ मार्केट हैज़ मैनी शॉप्स दैट सेल थिंग्स दैट वी नीड. मार्केट में बहुत सी शॉप्स होती हैं, बहुत सी दुकानें होती हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? सभी सामानों को खरीदते हैं, यानी सेल करते हैं, जिनकी हमें आवश्यकता होती है, परचेस करते हैं. ठीक है, खरीदते हैं ना, अगर हमें जिन भी चीज़ों की ज़रूरत होती है हम लोग क्या करते हैं? मार्केट से लेते हैं. ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? मार्केट कहलाता है. ओके, अब देखिए स्कूल, स्कूल क्या होता है? स्कूल की मीनिंग क्या होती है? विद्यालय. ठीक है, ऑल गुड नेबरहुड्स हैव अ स्कूल. हमारे नेबरहुड्स में क्या होते हैं? स्कूल होते हैं. वी गो टू स्कूल टू स्टडी एंड प्ले. हम लोग स्कूल जाते हैं क्या करने के लिए? खेलने के लिए, पढ़ने के लिए. क्या खेलने जाते हैं? नहीं, पढ़ने जाते हैं. तो हम लोग क्या करते हैं? वहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते भी हैं. एंड अ टीचर टीचर्स मैनी थिंग्स इन स्कूल. और हमें एक टीचर होता है स्कूल में, जो क्या करता है? हमें सभी बातों को बताता है. ठीक है, सभी थिंग्स के बारे में बताता है. अब देखिए पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन. अ पुलिस स्टेशन इज़ द प्लेस वेयर द पुलिस वर्क. यानी पुलिस स्टेशन में, पुलिस स्टेशन एक ऐसा प्लेस होता है, एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर पुलिस लोग क्या करते हैं? वर्क करते हैं. ओके, पोस्ट ऑफिस. अब देखिए पोस्ट ऑफिस मीन्स क्या होता है? डाकघर. ठीक है,
पोस्ट ऑफिस मीन्स होता है डाकघर. वी गो टू अ पोस्ट ऑफिस टू बाय स्टैम्प्स पोस्ट कार्ड एंड स्टैम्प एनवलप्स एंड वी कैन ऑल्सो सेंड पार्सल एंड मनी ऑर्डर्स. देखिए बेटा, हम लोग पोस्ट ऑफिस जाते हैं क्या करने के लिए, स्टैम्प्स खरीदने के लिए, पोस्ट कार्ड खरीदने के लिए, स्टैम्प एनवलप खरीदने के लिए, और ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पर परचेस करने जाते हैं. ठीक है, और क्या करते हैं, जैसे हमें मनी ऑर्डर्स, पहले हम लोग क्या, पहले के टाइम में क्या होता, लोग क्या करते थे पहले के टाइम में, मनी ऑर्डर्स यानी पैसे सेंड करते थे पोस्ट ऑफिस द्वारा. ठीक है, एक दूसरे के पास. अब देखिए बेटा, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल हम लोग कब जाते हैं, हॉस्पिटल मीन्स होता है अस्पताल, यानी वी गो टू हॉस्पिटल व्हेन वी आर सिक और हर्ट, जब हम बीमार हो जाते हैं या जब हमें चोट लग जाती है तो हम कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं. फायर स्टेशन, फायर स्टेशन क्या होता है, जब कभी आग लग जाती है तो क्या आती है, फायर ब्रिगेड आती है. ठीक है, तो फायर स्टेशन, वी कॉल द फायर स्टेशन टू हेल्प अस पुट आउट फायर्स. ठीक है, हम लोग 101 पर कॉल करते हैं और क्या करते हैं, फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं. ठीक है, अब देखिए, प्लेसेस ऑफ रिक्रिएशन, मनोरंजन का स्थान, हम लोग कहाँ पर मनोरंजन करते हैं, पार्क में करते हैं, और भी प्लेसेस होते हैं. ठीक है, जहाँ पर हम लोग सबसे ज़्यादा गार्डन वगैरह में करते हैं. ठीक है, तो यानी जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मनोरंजन करते हैं. ठीक है, चलिए बेटा हम लोग अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं. हाउ वुड इट फील इफ वी लिव्ड समवेयर विच हैड नो मार्केट्स, स्कूल्स और हॉस्पिटल अराउंड इट. क्या आपने कभी फील किया है, महसूस किया है, जहाँ आप रहते हों यानी वहाँ पर अगर मार्केट ना हो, स्कूल ना हो, हॉस्पिटल आपके चारों तरफ के एरिया में ये सारी चीज़ें ना हों. ठीक है, तो आपको यानी क्या होगा, आपको डिफिकल्ट, आपको सभी यानी आपके पास अगर ये सारी शॉप्स नहीं होंगी तो क्या होगा, आपको सभी चीज़ें पाने में क्या होंगी, डिफ़िकल्ट होंगी, कठिनाइयाँ होंगी. जब ये मार्केट ही नहीं रहेगा तो आपको सारा सामान कैसे मिलेगा. ठीक है, स्कूल नहीं होगा तो आप पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे. हॉस्पिटल नहीं होगा तो आपको चोट लग जाएगी या बीमार हो जाओगे तो आपको दवा कहाँ से मिलेगी. ठीक है, तो आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज होंगी. ठीक है, तो चलिए, द एरिया नियर आवर हाउस इज़ कॉल्ड आवर नेबरहुड. यानी हमारे हाउस के पास का एरिया क्या कहलाता है, हमारा नेबरहुड कहलाता है. ठीक है, पीपल हु लिव इन द नेबरहुड आर कॉल्ड आवर नेबर्स. यानी हमारे नेबरहुड में जो लोग रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे नेबर्स कहलाते हैं, हमारे पड़ोसी कहलाते हैं. Where do you go to get milk, eggs and bread every day? Where do your parents take you if you fall ill? देखिए बेटा, आप कहाँ जाते हो ये सब चीज़ें प्राप्त करने के लिए, यानी लेने के लिए, मिल्क, एग. ठीक है, आप मिल्क, एग, ब्रेड एवरी डे इन सभी चीज़ों को लेने के लिए कहाँ जाते हो. वेयर डू योर पेरेंट्स, यदि आपके पेरेंट्स गिर जाते हैं, ठीक है, उनको चोट लग जाती है, तो आप उन्हें कहाँ ले जाते हो. इट वुड बी सो डिफ़िकल्ट इफ वन हैड टू गो टू फॉर of places for these needs. अगर आप यानी आपको उन सभी यानी आपके घर से ये सारी चीज़ें बहुत दूरी पर हों जिनको आपकी आवश्यकता होगी, ठीक है, तो क्या होगा, यानी अगर कोई भी व्यक्ति, किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है और हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा दूर है तो क्या होगा, उस व्यक्ति की तबीयत और भी ख़राब हो सकती है. ठीक है, तो क्या होना चाहिए, यानी हम लोग के पास इसीलिए हमारी आवश्यकता अनुसार सभी चीज़ें यानी मार्केट में सभी शॉप्स अवेलेबल होती हैं. ठीक है, ताकि हमें किसी भी चीज़ को प्रॉब्लम ना हो सके. अ गुड नेबरहुड हैज़ मैनी प्लेसेस दैट मीट आवर नीड्स. देखिए यानी एक अच्छे नेबरहुड के पास सभी स्थान होती हैं. ठीक है, एक अच्छे नेबरहुड में सभी स्थान होते हैं जिनकी हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है, नीडेड होती है. They make life easier
अनकम्फर्टेबल फॉर एवरीवन। और ये क्या करते हैं, ये हमारी लाइफ को ईजियर बनाते हैं और कम्फर्टेबल बनाते हैं। लेट अस रीड अबाउट द प्लेसेस वी कैन फाइंड इन अ नेबरहुड। तो चलिए हम अपने नेबरहुड के बारे में सभी प्लेसेस को फाइंड करते हैं, जानते हैं। व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर नेबरहुड, आप अपने नेबरहुड के बारे में क्या पसंद करते हैं। ठीक है, तो क्या पसंद करते हैं बेटा आप अपने नेबरहुड के बारे में? ठीक है, अच्छा स्कूल, अच्छा मार्केट, अच्छी शॉप, आपको ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, यानी आपके स्कूल में अच्छे क्लासरूम हो। ठीक है, आप ये सब चीज़ें क्या करते हैं, पसंद करते हैं। अब देखिए, आप यही तो सोचते हैं कि आपके आसपास क्या हो, अच्छे स्कूल हो, अच्छे मॉल हो, अच्छे खाने की शॉप्स हो। ठीक है, आप यही सब तो सोचते हैं। अब देखिए मार्केट, अब मैंने आपको मार्केट बताया, तो चलिए अब हम आपको चलिए आपको मार्केट के बारे में और चीज़ें बताते हैं। अ मार्केट हैज़ मैनी शॉप्स दैट सेल थिंग्स दैट वी नीड। मार्केट के पास, हमने बताया मार्केट में बहुत सी शॉप्स होती हैं जिसे हम अपनी आवश्यकता अनुसार सभी चीज़ों को खरीदते हैं, परचेज करते हैं। एवरी नेबरहुड नीड्स अ मार्केट प्लेस वेयर पीपल कैन गेट थिंग्स ऑफ डेली यूज। सम ऑफ द शॉप्स दैट वी कैन फाइंड इन अ नेबरहुड मार्केट आर, यानी हमारे नेबरहुड्स के यानी सभी लोग कहाँ जाते हैं, मार्केट जाते हैं। देखिए बेटा, आप यानी हमारे नेबरहुड में एक मार्केट प्लेस होता है जिस जहाँ पर हम अपनी आवश्यकता अनुसार सभी चीज़ों को जो डेली यूज़ करते हैं उसे परचेज करते हैं। ठीक है, और बेटा नेबरहुड, नेबरहुड का मतलब ये होता है कि ऐसी सिटी या ऐसा टाउन जहाँ पर हम रहते हैं। ठीक है, सम ऑफ द शॉप्स दैट वी कैन फाइंड इन नेबरहुड मार्केट आर, तो आपको कुछ शॉप्स के बारे में चलिए हम बताते हैं जो आपके नेबरहुड यानी आपके मार्केट्स में आपको मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। अ ग्रोसरी शॉप, ग्रोसरी शॉप क्या होता है, वी गेट फूड आइटम्स एंड आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज हेयर, यानी ग्रोसरी शॉप जहाँ पर हमारे फूड आइटम्स खाने के सामान मिलते हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, ग्रोसरी शॉप बोलते हैं। अ केमिस्ट शॉप, केमिस्ट शॉप क्या होता है, वी गेट मेडिसिंस हेयर, जहाँ पर हमें सारी मेडिसिंस मिलती हैं। ठीक है, जहाँ पर हमें मेडिसिंस मिलती है वो केमिस्ट शॉप होती है। अ स्टेशनरी शॉप, वी गेट स्टेशनरी सच एज अ नोट्स बुक, पेंसिल, पेंस एंड इरेजर्स हेयर। स्टेशनरी में हमें कॉपी बुक, नोटबुक और पेंसिल, पेंस, इरेजर, शॉर्पनर, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, वो क्या कहलाती है, स्टेशनरी शॉप कहलाती है। अ ग्रीन ग्रोसर, ग्रीन ग्रोसर क्या होता है, यानी जहाँ पर हमें सब्जी और फल मिलते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, ग्रीन ग्रोसर कहलाते हैं। देखिए, वी गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हेयर, यहाँ पर क्या मिलते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलते हैं। ठीक है, अ मिल्क बूथ, अब देखिए मिल्क बूथ क्या होता है, वी गेट मिल्क, ब्रेड एंड एग्स हेयर, जहाँ पर हमें क्या मिलता है, मिल्क, ब्रेड और एग्स। ठीक है, वो क्या कहलाता है, मिल्क बूथ कहलाता है। तो चलिए बेटा, हम आपको हम कहाँ ले चलते हैं, मार्केट ले चलते हैं। ठीक है, आपने मार्केट देखा है कभी, तो कभी गए हो, तो चलिए, यस, मुमताज़ नगर में तो बहुत से बच्चे गए होंगे, क्यों, और देखा भी होगा मार्केट कैसे लगती है। तो चलिए हम कुछ बच्चों को यानी हम सभी बच्चों को मार्केट ले चलते हैं। ठीक है, तो आप लोग मार्केट के बारे में जानिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप कहाँ पहुँच गए हैं, मार्केट। ठीक है, दिस इज़ मार्केट। देखिए ये क्या है, मार्केट है। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पर डिफरेंट शॉप्स मिलेंगी, केमिस्ट शॉप। अब सबसे पहले आप देखिए ग्रीन ग्रोसर। ठीक है, ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ रिच गॉड। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ रिच गॉड। ठीक है, तरोई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिच गॉड बोलते हैं। एंड व्हाट इज़ दिस, ये क्या है बेटा, ये आपको पता चल रहा है क्या है, ट्रेको सेंस, ओके, परवल। ठीक है, ये आप, ये क्या है, आपको पता चल रहा है ये क्या है,
ट्रेकोसेंस, ठीक है, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, ट्रेकोसेंस, और हिंदी में परवल, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज जिंजर, ओके। देखिए ये क्या है, ये आपको जिंजर दिख रहा है ना, यस। ये क्या है, ये है लहसुन, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, गार्लिक, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज ओनियन। तो ये आप कहाँ पहुँच गए हैं, मार्केट पहुँच गए हैं, ठीक है, ये आप मार्केट पहुँच गए हैं। तो मार्केट में आपको वेजिटेबल्स यानी ग्रीन ग्रोसर, ठीक है। अब देखिए ये मार्केट्स में हमें बहुत सारी शॉप्स मिलती हैं। व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये स्टेशनरी शॉप है, ठीक है। देखिए स्टेशनरी शॉप्स में हमें क्या मिल रहा है, हमें हमारी, हमें जो भी चाहिए, पेंसिल, पेन, स्केल, सीजर, ठीक है, और डायरी, जो भी हमें चाहिए हमें स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज केमिस्ट शॉप। क्या है ये, केमिस्ट शॉप, और केमिस्ट शॉप में हमें क्या मिलता है, क्या मिलता है आप बताइए, चलिए हमें क्या मिलता है, मेडिसिंस मिलता है, ठीक है। तो बेटा हमारे मार्केट में कई शॉप्स होते हैं जहाँ पे हमें अपनी आवश्यकता अनुसार सभी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो आपने देखा मार्केट कैसा होता है, ओके। हेलो बेटा, आपने सभी चीज़ों के बारे में जाना। अब आपको स्कूल क्या ले जाएं, आप तो स्कूल डेली जाते हो, ठीक है, बस इस समय क्या है आपका स्कूल ऑफ है। तो चलिए, ऑल गुड नेबरहुड्स हैव अ स्कूल, सभी अच्छे नेबरहुड्स में क्या होते हैं, स्कूल के पास स्कूल होते हैं। वी गो टू अ स्कूल टू स्टडी एंड प्ले, हम लोग स्कूल जाते हैं स्टडी करने के लिए और खेलने के लिए। अ टीचर टीज अस मैनी थिंग्स इन स्कूल, टीचर हमें स्कूल में कई थिंग्स के बारे में बताते हैं, ठीक है, यानी स्कूल में हम लोग बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, उठना सीखते हैं, बैठना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं, खाना सीखते हैं, मैनर्स सीखते हैं, यानी बहुत सी चीज़ें हम लोग स्कूल से सीखते हैं, ठीक है। जैसे बेटा आपने सुना है, जन्म तो माँ बाप देते हैं लेकिन जीवन गुरु देता है, ठीक है। तो यानी हम अपने सभी चीज़ें स्कूल से ही सीखते हैं। तो देखिए पुलिस स्टेशन, आप पुलिस स्टेशन इज द प्लेस वेयर द पुलिस वर्क, पुलिस स्टेशन एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर पुलिस वर्क करती है, ठीक है। द पुलिस मेक आवर नेबरहुड सेफ, पुलिस हमारे नेबरहुड को सेफ रखता है, सुरक्षित बनाता है। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ डेंजर, व्हेन देयर इज सम काइंड ऑफ ट्रबल वी गो टू द पुलिस स्टेशन टू रिपोर्ट इट। तो वो हमें सभी तरीके के डेंजर यानी खतरों से बचाता है, ठीक है। हमें किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होता है, परेशानी होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पुलिस के पास जाते हैं और वो हमें सभी चीज़ों से बचाता है, ठीक है। अब पुलिस ऑफिसर इज इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन एंड ही शी हेल्प अस इन टाइम्स ऑफ ट्रबल टू कॉल द पुलिस, वी कैन सिंपली डायल 100 एंड गेट हेल्प। बेटा पहले हम लोग पुलिस को बुलाने के लिए 100 नंबर डायल करते थे, लेकिन अब क्या करना पड़ता है, 112 डायल करना पड़ता है, ठीक है। जैसे पुलिस स्टेशन में एक इंचार्ज होता है, ठीक है। अब देखिए, और वो हमें किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। हम सिंपली क्या डायल करते हैं, 112 डायल करते हैं और हमें अपनी हेल्प के लिए बुलाते हैं, ठीक है। पोस्ट ऑफिस, वी गो टू अ पोस्ट ऑफिस टू बाय स्टैम्प्स पोस्ट कार्ड एंड स्टैम्प एनवलप्स। अ पोस्ट ऑफिस हेल्प अस टू सेंड लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड टू आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। हम लोग पोस्ट ऑफिस जाते हैं, डाकघर जाते हैं स्टैम्प्स खरीदने के लिए, पोस्ट कार्ड खरीदने के लिए, और पोस्ट ऑफिस यानी हम लोग लेटर सेंड करते हैं अपने फ्रेंड को, हमें लेटर सेंड करना होता तो हम लोग क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस से के द्वारा सेंड करते हैं, ठीक है, और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी। वी कैन ऑल्सो सेंड पार्सल्स एंड मनी ऑर्डर्स थ्रू आ पोस्ट ऑफिस। आ मनी ऑर्डर्स हेल्प अस टू सेंड मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आ पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर अस द करेक्ट एड्रेस। हम लोग क्या करते थे, पोस्ट ऑफिस के द्वारा मनी ऑर्डर्स करते थे, यानी एक दूसरे तक पैसे को क्या करते थे, पहुँचाते थे, और यानी हम लोग पोस्ट ऑफिस में क्या कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं और पोस्टमैन उसे क्या करता है, डिलीवर करता है करेक्ट एड्रेस पर, ओके। इन सम एरिया
मार्केट्स आर हेल्ड वंस अ वीक, सच मार्केट्स आर कॉल्ड हाट्स। देखिए बेटा, कुछ एरिया में मार्केट्स वीक में एक ही बार हेल्ड होते हैं, एक ही बार लगते हैं, तो ठीक है, ऐसे मार्केट्स को क्या कहते हैं? हाट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे बेटा मुमताज़ नगर में क्या होता है, वीक में दो बार लगता है, तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि वीक में एक ही बार लगता है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? हाट्स बोलते हैं। हैव यू बीन टू योर लोकल पोस्ट ऑफिस, व्हाट और डिड यू फाइंड देयर, क्या आपने कभी लोकल पोस्ट ऑफिस होगा और आप सभी ने वहाँ पर क्या पाया है? ठीक है, हॉस्पिटल यानी अस्पताल, वी गो टू अ हॉस्पिटल व्हेन वी आर सिक और हर्ट, हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं जब कभी बीमार हो जाते हैं या हमें चोट लग जाती है। अ हॉस्पिटल हैज़ मैनी डॉक्टर्स एंड नर्स हु हेल्प अस गेट वेल, हॉस्पिटल में बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं और बहुत सारे नर्स होते हैं जो हमारी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ऑल गुड हॉस्पिटल्स हैव अ स्पेशल वैन कॉल्ड एन एम्बुलेंस दैट टेक्स अस टू हॉस्पिटल व्हेन देयर इज एन इमरजेंसी, वी कैन सिंपली डायल 102 कॉल एन एम्बुलेंस। एम्बुलेंस मीन्स होता है बेटा आपात वाहन, ठीक है, और सभी अच्छे हॉस्पिटल्स में क्या होता है, एक वैन होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एम्बुलेंस बोलते हैं। ठीक है, और वो क्या करती है, अगर हम जब हमारे घर में कभी इमरजेंसी आ जाती है, हम लोग सिंपली 102 डायल करते हैं और एम्बुलेंस आती है और जो भी व्यक्ति बीमार रहता है उसे लेकर जाती है। ठीक है, तो अगर हमें कभी इमरजेंसी हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, आपको नॉलेज होता है कि एम्बुलेंस का नंबर क्या होता है, 102 होता है, अगर हम डायल करेंगे तो एम्बुलेंस यहाँ पर आएगी, तो आप क्या कर सकते हो, सभी को बता सकते हो। ओके, अ डिस्पेंसरी इज अ नॉट एज अ बिंग एज अ हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी मीन्स होता है बेटा दवा खाना, ये हॉस्पिटल के जैसा बड़ा तो नहीं होता है, इट हैज़ अ फ्यू डॉक्टर्स हु ट्रीट अस एंड गिव अस मेडिसिन, यहाँ पर फ्यू कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, लोगों को ट्रीट करते हैं और मेडिसिन देते हैं। व्हेन वी फॉल इल, जब हम कभी बीमार हो जाते हैं, स्मॉल नेबरहुड्स यूजुअली हैव अ डिस्पेंसरी, ठीक है, यानी जो छोटे नेबरहुड्स होते हैं वहाँ क्या होते हैं, डिस्पेंसरी होते हैं। ठीक है, वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं होता, क्या छोटे छोटे गाँव में हॉस्पिटल होता है? नहीं, वहाँ पे क्या होता है, डिस्पेंसरी होता है। ठीक है, अब देखिए, फायर स्टेशन, वी कॉल द फायर स्टेशन टू हेल्प्स अस पुट आउट फायर्स, अ फायर स्टेशन हैज़ रेड वैंस कॉल्ड द फायर इंजन्स, देन दैट फायर फाइटर्स यूज टू पुट आउट अ फायर, वी कैन डायल 101 टू कॉल अप द फायर स्टेशन। क्या करते हैं बेटा, जब कभी आग लग जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, फायर स्टेशन के पास कॉल करते हैं और फायर ब्रिगेड बुलाते हैं, यानी उसकी वैन जो होती है वो रेड कलर की होती है, उसे क्या बोलते हैं, फायर इंजन बोलते हैं, और कुछ लोग उसके साथ आते हैं जो आग को बुझाने के लिए, उन्हें क्या बोलते हैं, फायर फाइटर्स बोलते हैं, जो आग को बुझाते हैं। ठीक है, और जब कभी आग लग जाती है तो हमें क्या डायल करना चाहिए, 101 डायल करना चाहिए। ठीक है, इससे फायर स्टेशन के पास कॉल जाती है। ठीक है, अब देखिए बेटा, थिंग एंड आंसर, आपको बताना है, यश कॉल्ड 101 व्हेन ही सॉ थीव्स एंटरिंग हिज नेबर्स हाउस, व्हाट शुड ही हैव डन इंस्टेड। देखिए बेटा, यश ने 101 डायल किया जब उसके नेवर्स, उसके पड़ोसियों के हाउस में चोरों ने एंटर किया, व्हाट शुड ही हैव, इसके बजाय उसे क्या करना चाहिए, 101 उसने क्या डायल किया, 101 डायल किया, जो कि 101 डायल करने पर क्या होता है, फायर स्टेशन से लोग आते हैं। ठीक है, तो उसे क्या करना चाहिए, पुलिस के पास कॉल करना चाहिए ना, तो 112 डायल करना चाहिए। ओके, प्लेसेस ऑफ रिक्रिएशन, मनोरंजन का स्थान। ठीक है, अ गुड नेबरहुड हैज़ प्लेसेस वेयर गो टू स्पेंड आवर फ्री टाइम, हम लोग अपने हमारे नेबरहुड में एक फ्री टाइम स्पेंड करने के लिए क्या होता है, मनोरंजन करने का स्थान होता है। ठीक है, पीपल ऑफ डिफरेंट एज इंजॉय गोइंग टू दीज प्लेसेस, दे कैन स्पेंड टाइम हेयर एलोन और विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, दे कैन डू मैनी डिफरेंट एक्टिविटीज़
लेट अस रीड अबाउट दिस प्लेसेस। देखिए बेटा यानी हमारे प्लेसेस में एक पार्क होता, मनोरंजन करने का साधन होता, पार्क होता, हम लोग क्या करते हैं सभी एज के लोग वहाँ जाते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स जाते हैं वहाँ पर, वो टाइम स्पेंड करते हैं, वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम उन स्थानों के बारे में जानते हैं। अब देखिए, एवरी गुड नेबरहुड हैज़ अ पार्क। देखिए मैंने आपको बताया कि हमारे नेबरहुड्स में क्या होता है, एक पार्क होता है वेयर वी कैन प्ले, जहाँ पर हम खेलते हैं। अ पार्क हैज़ लॉट ऑफ ट्रीज एंड प्लांट, और पार्क में क्या होता है, ट्रीज और प्लांट्स होते हैं। सम पार्क ऑल्सो हैव स्विंग्स फॉर चिल्ड्रेन, यानी कुछ पार्क में क्या होते हैं, झूले होते हैं, यानी सभी पार्क में अप्रॉक्सीमेटली होते हैं बेटा झूला होता है चिल्ड्रेंस के लिए। मोस्ट पार्क हैव अ पाथ फॉर वॉकिंग और जॉगिंग, यानी अधिकतर पार्क में क्या होते हैं, टहलने के लिए पाथ होता है, जॉगिंग करने के लिए होता है। वी गेट फ्रेश एयर व्हेन वी गो टू द पार्क, जब हम पार्क जाते हैं तो हमें फ्रेश एयर मिलता है। वी शुड कीप आवर पार्क क्लीन एंड नॉट लिटर देम, यानी हमें अपने पार्क को हमेशा क्लीन रखना चाहिए, इधर उधर कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए। अ नेबरहुड लाइब्रेरी इज अ प्लेस वेयर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स आर केप्ट फॉर पीपल टू रीड एंड समटाइम्स बोरो। देखिए बेटा, हमारे नेबरहुड में एक लाइब्रेरी भी होती है, यानी लाइब्रेरी भी एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर हमें डिफरेंट तरीके की बुक्स मिलती हैं। ठीक है, जैसे उधार हमें मिलती है, जैसे हम लोग लाइब्रेरी से कार्ड बनता है, हम लोग बुक ले लेते हैं, बोरो ले लेते हैं, यानी कुछ समय बाद हमें फिर वापस करना होता है। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, उसे पढ़ने के लिए ले लेते हैं। वी शुड ऑलवेज मेंटेन साइलेंस इनसाइड अ लाइब्रेरी, यानी लाइब्रेरी में हमेशा क्या होता है, साइलेंस, शांत वातावरण बना रहता है। ठीक है, वहाँ पर लोग क्या करते हैं, ओनली पढ़ाई करते हैं, तो बहुत ही चुपचाप और शांति का माहौल बना रहता है। अ गुड नेबरहुड ऑल्सो हैज़ अ कम्युनिटी सेंटर वेयर पीपल गो फॉर रिक्रिएशन। देखिए, एक अच्छे नेबरहुड में क्या होता है, यानी एक सेंटर, कम्युनिटी सेंटर होता है जहाँ पर लोग क्या करते हैं, रिक्रिएशन करने के लिए जाते हैं। ठीक है, वी पीपल कैन प्ले स्पोर्ट्स, रीड और स्पेंड टाइम्स विथ देयर फ्रेंड्स। सम कम्युनिटी सेंटर ऑल्सो हैव मूवी शो एंड म्यूजिक प्रोग्राम्स फॉर पीपल ऑफ द नेबरहुड। अब लोग क्या करते हैं, वहाँ पर खेलते हैं, पढ़ते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं अपने फ्रेंड के साथ, और कुछ कम्युनिटी सेंटर्स में तो क्या होते हैं, मूवी शो होते हैं, मूवी म्यूजिक प्रोग्राम्स होते हैं लोगों के लिए। ठीक है, नेबरहुड्स के लोगों के लिए। अब देखिए, आवर नेबरहुड्स मेक्स आवर लाइफ्स इजियर एंड मोर कंफर्टेबल इन मैनी वेज। हमारा लाइफ क्या करता है, हमें यानी हमारा नेबरहुड हमारी लाइफ को बहुत इजियर और यानी कंफर्टेबल बनाता है कई कारणों से। ठीक है, कई वेज से। इट इज़ आवर ड्यूटी टू लुक आफ्टर आवर नेबरहुड बाय कीपिंग इट ग्रीन एंड क्लीन। हमें क्या करना चाहिए, अपने नेबरहुड को, ये हमारी ड्यूटी होती है कि हमें अपने नेबरहुड की क्या करना चाहिए, देखभाल करना चाहिए, उसे क्लीन बनाना चाहिए, उसे साफ रखना चाहिए, उसे हरा भरा बनाना चाहिए। हाउ कैन यू हेल्प टू कीप आवर नेबरहुड ग्रीन, आप किस तरीके से हेल्प करके अपने नेबरहुड को ग्रीन बना सकते हो, कैसे बना सकते हो। ठीक है, वी कैन टू यानी मैनी एक्टिविटीज़, बहुत सी चीज़ें कर सकते हो। वी कैन प्लांट ट्रीज इन द पार्क और टेक केयर ऑफ द ट्रीज प्लांट देयर। ठीक है, हम लोग बहुत सारे प्लांट अब बेटा ये आपके कुछ रिमेंबरिंग पॉइंट्स दिए गए हैं। द एरिया नियर आवर हाउस इज कॉल्ड आवर नेबरहुड। हमारे हाउस के चारों तरफ का एरिया क्या कहलाता है, नेबरहुड कहलाता है। A good neighborhood has many places that make life easier for us. हमारे neighborhood में बहुत से ऐसे places होते हैं जो हमारे life को easier बनाते हैं। A market is a place that has many shops selling different things. हमारे markets में बहुत से shops होते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, different तरीके की चीज़ों को sell करते हैं। A police station helps to keep the neighborhood safe. पुलिस स्टेशन क्या करता है, हमारे नेबरहुड को सेफ करता है। वी गो टू अ हॉस्पिटल व्हेन वी आर सिक, हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं। वी कॉल द फायर स्टेशन टू पुट आउट फायर्स, हम जब क्या होता है, फायर स्टेशन के लोगों को बुलाते हैं जब कभी आग लग जाती है, उस आग को बुझाने के लिए।
अब देखिए नेबरहुड, नेबरहुड क्या होता है, यानी टाउन और सिटी का वो पार्ट जहाँ पर हम रहते हैं। मनी ऑर्डर्स, मनी ऑर्डर्स यानी हम लोग पोस्ट ऑफिस के द्वारा क्या करते हैं, पैसा सेंड करते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, यानी पोस्ट ऑफिस द्वारा क्या करते हैं हम लोग, मनी सेंड करते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, मनी ऑर्डर्स कहते हैं। एम्बुलेंस मीन्स आपात वाहन, ठीक है। एमरजेंसी मीन्स आकस्मिक, सडनली कोई चीज़ हो जाए, अचानक हो जाए, ठीक है। डिस्पेंसरी मीन्स दवा खाना। बोरो मीन्स उधार लेना। एंड कम्युनिटी मीन्स समुदाय, ओके। चलिए बेटा, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। वी गो टू बाय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हम लोग फ्रूट और वेजिटेबल्स खरीदने के लिए कहाँ जाते हैं, ग्रीन ग्रोसर या ग्रोसर, कहाँ जाते हैं, ग्रीन ग्रोसर के पास जाते हैं, ठीक है। वी गो टू बाय स्टैम्प्स, हम लोग कहाँ से खरीदते हैं स्टैम्प्स, पुलिस स्टेशन से खरीदते हैं या पोस्ट ऑफिस से खरीदते हैं, कहाँ से खरीदते हैं, पोस्ट ऑफिस से, ठीक है। वी गो टू आ डैश व्हेन वी फॉल इल, हम लोग कहाँ जाते हैं, जब बीमार हो जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं या पार्क जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल हैव्स डैश टू टेक पीपल टू द हॉस्पिटल, एम्बुलेंस या एरोप्लेन्स, लोगों को हॉस्पिटल कौन ले जाता है, एम्बुलेंस ले जाता है या एरोप्लेन्स ले जाता है, एम्बुलेंस ले जाता है। वी गो टू आ डैश टू रीड बुक्स, हम लोग बुक को कहाँ रीड करते हैं, हॉस्पिटल एंड लाइब्रेरी, हॉस्पिटल में नहीं रीड करते हैं, लाइब्रेरी में रीड करते हैं, ठीक है। आपको बेटा इसे एक्सरसाइज को कॉपी में करना है, ठीक है, वीडियो से ही देखकर, ओके। मैच द रोज, आपको ये मैच करना है। तो ग्रोसरी सबसे पहले तो देखिए बेटा, ये क्या है, ए नंबर, ये क्या है, इसे इसका यूज़ कौन, यानी इसे कौन बुझाएगा, फायर इंजन, ओके, फायर इंजन, आग लगी है आपको कौन बुझाएगा, फायर इंजन। अब देखिए ग्रोसरी स्टोर, ये यहाँ पे हमें सारी चीज़ें ग्रोसरी स्टोर कहाँ पे मिलेगी, ये यानी ये टूथपेस्ट हमें कहाँ मिलेगा, ग्रोसरी स्टोर पे मिलेगा, ठीक है। ये केमिस्ट शॉप, यानी यहाँ क्या चीज़ें मिलेंगी, दवाइयाँ मेडिसिन्स मिलेगा, ठीक है बेटा। डायल 100 जहाँ पर है आप लोग 112 कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से पुलिस, क्योंकि अब ये चेंज हो गया है नंबर, ठीक है। और एम्बुलेंस 102, ओके। नेम एनी थ्री शॉप्स फाउंड इन नेबरहुड मार्केट, राइट व्हाट दे सेलर्स, आपको थ्री शॉप्स बताने हैं नेबरहुड मार्केट के, जहाँ पर आपको सभी चीज़ें मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपको आंसर दिखा देते हैं बेटा, ये आपको वीडियो से देखकर ही राइट करना है, ओके। देखिए फर्स्ट का आंसर है थ्री शॉप्स आर फाउंड इन आर नेबरहुड मार्केट्स आर एज फॉलो, आपको थ्री शॉप्स के बारे में बताया गया है जहाँ पर आपको सभी चीज़ें मिलते हैं। और बेटा आपको नीट एंड क्लीन बिल्कुल दिख रहा है, आपको वीडियो स्टॉप करके आपको वीडियो से ही राइड करना है, ओके। आ केमिस्ट शॉप, यानी हमें जहाँ पर मेडिसिंस मिलते हैं, वी गेट मैनी मेडिसिंस हेयर, ओके। आ ग्रीन ग्रोसर, जहाँ पर हमें फ्रूट और वेजिटेबल मिलता है, वी गेट फ्रूट एंड वेजिटेबल हेयर। आ मिल्क हेयर, सॉरी अ मिल्क बूथ, यहाँ पर क्या होगा, अ मिल्क बूथ, जहाँ पर हमें क्या मिलता है, मिल्क ब्रेड एंड एग्स, ओके। आपको जहाँ पर ब्रेड एग्स मिल्क वगैरह मिलता है वो क्या कहलाता है, मिल्क बूथ कहलाता है। अब देखिए आपका सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डू वी बाय एट अ पोस्ट ऑफिस, हम लोग पोस्ट ऑफिस क्या खरीदने के लिए जाते हैं, हम लोग पोस्ट ऑफिस क्या खरीदने के लिए जाते हैं, ठीक है। वी बाय स्टैम्प्स पोस्ट कार्ड एंड स्टैम्प्स एनवलप्स एट अ पोस्ट ऑफिस, हम लोग स्टैम्प पोस्ट कार्ड स्टैम्प एनवलप ये सब खरीदने के लिए पोस्ट ऑफिस जाते हैं, ओके। हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एम्बुलेंस, एम्बुलेंस क्या होता है, ठीक है। तो देखिए एन एम्बुलेंस इज अ स्पेशल वैन दैट ऑल हॉस्पिटल हैव, यानी एम्बुलेंस एक स्पेशल वैन होता है जो सभी हॉस्पिटल्स में होता है। इट टेक्स अस टू द हॉस्पिटल व्हेन देयर इज एन इमरजेंसी, जब हमें कोई इमरजेंसी हो जाती है तो वो हमें हॉस्पिटल लाता है, ठीक है, यानी हॉस्पिटल ले जाता है। अब देखिए बेटा, फाइंड आउट द फोन नंबर्स ऑफ द हॉस्पिटल पुलिस स्टेशन एंड फायर स्टेशन इन आवर नेबरहुड एंड मेक अ नेबरहुड डायरी, आपको
एक आप नेवरहुड की डायरी में तो नहीं बना सकते हो क्योंकि आप लोग बहुत छोटे हो अभी, लेकिन आप क्या कर सकते हो, एक डायरी में हॉस्पिटल्स का नंबर, फायर स्टेशन, पुलिस स्टेशन का नंबर बना सकते हो। ओके, और बेटा ये आपका ग्रुप प्रोजेक्ट है, इसलिए आप स्कूल ओपन हो जाएगा तब इसे करिएगा, ठीक है। बेटा आपको सारी एक्सरसाइज वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर कॉपी में करना है, नीट एंड क्लीन। ओके, आप क्या करोगे, पहले वर्ड मीनिंग करोगे, सॉरी पहले एक्सरसाइज करोगे, फिर वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर, ठीक है। और आपको ये भी करना है, इसका फिगर ड्रॉ भी करना है और करना भी है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है यू कैन आस्क मी, ओके। और अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप पूछ सकते हो, थैंक यू। और आपको नीट एंड क्लीन करना है, ठीक है। माई कोड इज़ MPS EVS 116।